एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा एक कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर। आज हमारे साथ हैं बछरावा रायबरेली से विधायक राम नरेश रावत जी, जो सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र से माने जाते हैं। और ये जो संसदीय क्षेत्र है, सोनिया गांधी और कांग्रेस का गढ़ भी बताया जाता है। आज हम गाँव को लेकर चर्चा करेंगे श्री रावत जी से। रावत जी, आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन गांव आज भी उस रास्ते पर नहीं जा पाए हैं जिस रास्ते का सपना शहीदों ने देखा होगा। आप इसे कैसे लेते हैं? देखिए, भारत की आत्मा गांव में बसती है जी। भारत गांव का देश है। भारत में रहने वाले लोग जो हैं वह भारतीय संस्कृति से जुड़ करके चलने का काम करते हैं। भौतिकता और उदारता दो हमारी भारत की संस्कृति माने जाते हैं। हमारे गांव के लोग आज भी अपनी पुरानी परंपरागत खेती, पुराने रोजगार, पुरानी स्थितियों से जुड़कर के काम करते हैं, परंतु परंपरागत रोजगारों को बड़े बड़े मल्टी कंपनियों ने ले लिया है जी। जैसे कुम्हारगिरी, लोहारगिरी, बढ़ाईगिरी, दोना पत्तल बनाने वाले सारे कामों को अब मल्टी कंपनियाँ करने लगीं। गांव के आदमी की मानसिकता उतनी तेज़ी के साथ नहीं बदल पाई। कभी जहां से हम विधायक हैं, माननीय सोनिया जी सांसद हैं, माननीय इंदिरा जी वहीं से सांसद हुआ करती थी, गरीबी मिटाओ का नारा उन्होंने 75 में दिया था जी। लेकिन हम महसूस करते हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र और जनपद रायबरेली से ज़्यादा गरीबी शायद उत्तर प्रदेश में कहीं पर हो। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ नहीं डेवलप की गई जी। जी, इसी कारण गांव आज कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस सब रूप में देखते हैं कांग्रेस का जो गढ़, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ते रहे, जब वहां पर वो गरीबी नहीं दूर कर पाए, गांव की स्थिति को सुधार नहीं पाए, तो प्रदेश और देश की यही स्थिति रही है। अब जब से मोदी जी का आगमन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति हुई है, लोगों के मन में आस जगी है। कौशल विकास योजना, मुद्रा बैंक योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसी ढेर सारी योजनाएं आई हैं जो गांव वाले लोग बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं और वो बड़ी आशा भरी दृष्टि देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हम तरक्की करें। ये उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम पंचायतें हैं। हमारे लोग इन ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं तो कुछ जगह हमने ऐसी देखी हैं जहां पर 10 से 15 साल एक हॉस्पिटल को बने हुए हो गए, लेकिन वहां डॉक्टर कभी नहीं पहुंचा। तो इस मामले में अब सरकार अब आगे आने वाले समय में क्या इस तरफ कदम उठाएगी? देखिए, एक तो अभी बहुत जल्दी कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति योगी सरकार ने किया है जी। वो सब ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर लोग हमारे पास आ रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं कि मुझे बहुत नज़दीक, शहर के नज़दीक मिल जाए, शहर के स्थान पर मिल जाए। तो इसका मतलब डॉक्टरों के मन में भी मानसिकता बदली। डॉक्टर भी उसी मानसिकता वाले थे कि हमको शहर में रह करके काम करें, MBBS जैसी पढ़ाई की, ढेर सारी डिग्रियाँ अर्जित की। लेकिन योगी सरकार ने तय किया कोई भी CSC नहीं बंद रहेगी, कोई PSC नहीं बंद रहेगी, गाँव का कोई अस्पताल बंद नहीं रहेगा। लोगों के मन में बड़ी आशा जगी है और हम समझते हैं अभी एक साल भी हमारी सरकार बने हुए उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के मन में विश्वास है। और हमारे बछरावा विधानसभा में पहले वास्तव में यही स्थिति थी, इस समय सब अस्पताल खुल रहे हैं, टाइमली खुल रहे हैं। जो नहीं जा रहे हैं हम स्वयं में देख रहे हैं, हमारे सरकार के का दबाव बहुत अधिक है माननीय योगी जी का जी, तो सब अस्पताल खुल रहे हैं। अच्छा, देश के विकास में शिक्षा का भी बड़ा योगदान होता है जी, लेकिन काफ़ी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षक जो सरकारी शिक्षक थे वो रिटायर तो हो रहे हैं लेकिन नई नियुक्तियाँ नहीं हो पाई, इसकी क्या वजह आपको लगता है? देखिए, इसकी वजह हम मानते हैं माननीय राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हुए जी, 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 गुणवत्ता परक शिक्षा की बात की थी जी, तब से लेकर के आज तक शिक्षा की स्थिति पर किसी सपा और बसपा कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। माननीय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के योगी जी और सारे लोग मिलकर के तय किए हैं कि गुणवत्ता परक शिक्षा होनी चाहिए। एक तो दूसरी, आपको याद होगा शिक्षक त्वरित हम नहीं दे पाए तो माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मित्र उन्होंने देने का काम किया था जी, 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 ताकि शिक्षक जब हों तभी स्कूल व्यवस्थित रूप से चल सकता है। और आज हम महसूस करते हैं माननीय योगी जी की सरकार में मात्र एक साल में गुणवत्ता परक शिक्षा भी की चर्चा हो रही है और सभी स्कूल खुल रहे हैं, कोई एक भी स्कूल ऐसा बाकी नहीं है। ये सही है कि जिस गति से, तेजी के साथ जितने बच्चे हैं उस गति से अध्यापक
नहीं है, उस पर तो अभी योगी सरकार ने तमाम गठित किया है, टीम गठित करने काम किया है, अभी तमाम भर्तियां होंगी, शिक्षकों की कमी अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। जैसे विधायक जी, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गांव में गरीब व्यक्ति के घर पर शौचालय पहुंचाने का काम किया है और सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भी जाता है। हम लोग कुछ गांव में गए तो प्रधानों की ये शिकायत थी कि जब लाभार्थी को पैसा मिलता है और वो नहीं बनाता तो FIR प्रधान के खिलाफ हो जाती है। देखिए, आपकी बात से हम सहमत हो सकते हैं। जी जी, ये समाज का जो भ्रष्टाचार है जी, ये समाज में जैसे ब्लड तक चला गया था लोगों के, जी जी, इसी के से बचने के लिए, लोगों तक सीधा लाभ देने के लिए योगी सरकार ने तय किया और बहुत से गांव में सीधा पैसा जा रहा है उनके खाते में, लेकिन गांव का आदमी कहता है अभी प्रधान भैया की वजह से ही मुझे शौचालय मिला है। अच्छा। तो प्रधान भैया को हस्ताक्षर करके दे दो, जैसा बनाना चाहे वैसा बनाए। इसका उदाहरण मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो गाँव है, एक गांव में सब प्रधान ने पैसा ले लिया, सबसे चेक कटवा लिया और पैसा निकाल कर ले आए। आज की तारीख में खराब ईंटा हो रहा था, चल रहा था, हमने उसकी जांच कराई, ईंटा वापस हो रहा है जी, और वो गांव वाले लोगों को, लाभार्थी को सीधे पैसा मिल रहा है। दूसरा एक उदाहरण है, रायपुर निरवा एक गांव है हमारे यहाँ, वहाँ पर सारे के सारे ODF के अंतर्गत सारे शौचालय हर घर में बन गए, बहुत अच्छे बन गए, एक मॉडल के तौर पर हम लोगों ने डेवलप किया उस गाँव को, पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी चर्चा होनी चाहिए। अब एक सवाल, कई जगह हमने सुना कि उत्तर प्रदेश देश का लगभग सबसे बड़ा प्रदेश यही है, लेकिन इस प्रदेश में 59,163 जो ग्राम पंचायतें हैं उनके मुकाबले शहरों की संख्या काफी कम है, लेकिन स्मार्ट सिटी तो बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट गांव कब बनेंगे? सरकार का इसमें क्या कहना होगा या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम महसूस करते हैं निश्चित रूप से जब तक गांव तरक्की नहीं करेंगे जी, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। वैसे मैं रहने वाला बाराबंकी जनपद का हूं, विधायक जनपद रायबरेली से हूं, हमने बहुत अच्छी तरीके से, मैं गांव का रहने वाला हूं, जिस गांव में मैं पैदा हुआ उस गांव में संपूर्ण साक्षरता है जी, बढ़िया बात है। मैं पहला व्यक्ति हूँ हाईस्कूल पास होने वाला। हमने अपने गाँव के लोगों को, युवकों को जोड़ करके एक समिति बनाई जी, सब बच्चे उसमें पढ़ने लगे, और केवल साक्षर ही नहीं है, 15 से 35 साल के मध्य का कोई भी नौजवान ऐसा नहीं जो हाईस्कूल पास नहीं है, लड़की है लड़के सब हाईस्कूल पास हैं, इंटरमीडिएट। मैंने स्वयं में इसके लिए मॉड्यूल तैयार किया, पहला व्यक्ति हाईस्कूल पास होने वाला हूँ, और 3 विषय से MA किया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी और ला किया। तो हम तो एक मॉड्यूल तैयार करते हैं, हम गाँव के रहने वाले लोग हैं, गाँव को कैसा चाहते हैं। फिर गाँव में न्यायिक व्यवस्था, जो पुरानी पंचायती राज वाली व्यवस्था थी उसको लागू किया, और उस गांव में आज की तारीख में कोई थाने में मुकदमा नहीं दर्ज होता, जमीन का कोई वाद नहीं चलता, पंचायती प्रणाली की तरह हम कर लेते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में ऐसा हो। अब हमारे देश का नौजवान जागरूक है, अब जाति धर्म के चक्कर में हमारे देश का नौजवान नहीं पढ़ने वाला है, अब वो तरक्की की तरफ देख रहा है, विकास का मार्ग ढूंढ रहा है। 65% आबादी नौजवानों की है, नौजवान को माननीय मोदी जी एक चमकते हुए सितारे की तरह दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में नौजवान के मन में एक आशा जगी है कि हमको, हम सब लोग रोजगार की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी बात, एक और गांव के लोग अब सोचना शुरू किए जो नौजवान है, कि जब योगी जी और मोदी जी 24 घंटे में 18 घंटे काम कर सकते हैं तो मुझे भी कम से कम 14-15 घंटे 18 घंटे काम करना चाहिए। हमारा शासक जब कहता है हम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हैं, तो प्रत्येक गांव वाले के मन में बात जाती है, केवल इतना कहने मात्र से ही इतनी बड़ी बात होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं साष्टांग लोकसभा की सीढ़ियों को अभिवादन करके जब आगे बढ़ते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं क्या ईंट गारे की बनी बिल्डिंग का अभिवादन था? उनके मन में भाव था हम प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अभिवादन कर रहे हैं, और जब हम सिंपल घर में पैदा होकर के यहाँ जा सकते हैं, तो भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में आया मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मेहनत करके पहुंचा जा सकता है। देखिए, भारत में संविधान सभी राज्यों में एक ही लागू है, लेकिन पंचायती व्यवस्था सभी राज्यों में अलग अलग है, इसकी क्या वजह है?
है या सरकार इस तरफ कोई ध्यान देकर कोई नई चीज यहाँ लाना चाह रही है? देखिए, हमारे भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये प्रदेश सूची के अंतर्गत आता है, इस पर केंद्र सरकार को कानून नहीं बनाती। प्रदेश सूची में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है, तो इसमें पंचायतों को स्वायत्तता दी गई है, वे अपने हिसाब से व्यवस्थित रखें। तो ये प्रदेश केंद्र सरकार में एक रूपता इसलिए नहीं है, ये प्रदेश सूची का विषय है। अगर ये केंद्र सूची का विषय होता या समवर्ती सूची में भी नहीं है, समवर्ती का सूची का विषय होता दोनों लोग मिलकर करते, फिर भी देश के प्रधानमंत्री गाँव की तरफ इतना ध्यान दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मकान विहीन नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, किसानों को लाभ मिले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारे जो बेटियों पर बड़ा आरोप था कि बेटी हमारे ऊपर बोझ होगी, वो भी कम हो रहा है, सबके दिमाग तक जा रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। पंचायती राज प्रणाली के तहत निश्चित रूप से महसूस किया जा रहा है कि जहाँ की अच्छी पंचायतें हैं, हम विधानसभा के सदस्य के रूप में, MLC के रूप में दूसरे प्रदेशों को जा करके वहाँ चिंतन अध्ययन करते हैं। बहुत से मॉडल गुजरात मॉडल लाए जा रहे हैं कि कौन सी व्यवस्था वहाँ अच्छी थी। गुजरात के बहुत से गांव पंचायती राज प्रणाली के तहत बहुत अच्छे हैं। मैंने गुजरात का एक गांव अपने भ्रमण के दौरान पानेलाव देखा था, बहुत अच्छा पंचायती राज व्यवस्था का उदाहरण है ऐसे गाँव की। हो सकता उसी गांव से कांसेप्ट हम लाए हो अपने गांव के लिए, तो ये तो भ्रमण करके देख करके समझ करके हो सकता है। आपने गुजरात की बात की, गुजरात में जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक व्यवस्था लागू की थी कि अगर गांव का झगड़ा थाने तक नहीं पहुंचता है एक वर्ष तक तो इस गांव को आदर्श गांव कह दिया जाएगा, इस तरह। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कोई व्यवस्था लागू करने की सरकार की योजना हो? देखिए, जहां से अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा उसको हम स्वीकार करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये महसूस करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान निश्चित रूप से उधर गया होगा, क्योंकि हमारे तो रोल मॉडल माननीय मोदी जी, योगी जी भी हमारे मॉडल बनकर के उभर रहे हैं, तो ये जो हमारे रोल मॉडल जैसा करेंगे वैसा पूरे देश में व्यवस्था लागू होगी। अब जैसे एक हमारे यहाँ सरावस्ती मॉडल, गांव के झगड़े सुलझाने के लिए एक सरावस्ती मॉडल डेवलप किया योगी जी ने, DM और कप्तान दोनों मिलकर के टीम बनाएंगे, वहाँ राजस्व टीम और थाने की टीम जाएगी और उस टीम के तहत वहाँ के फैसले किए जाएंगे, सारा मामला त्वरित वही मौके पर निस्तारित किया जाएगा। तो ये मॉडल तो हमने अडॉप्ट किया, गुजरात मॉडल जहां हम गांव के लिए ला रहे हैं, वहीं हमने उत्तर प्रदेश के एक जनपद श्रावस्ती जो सबसे पिछड़ा जनपद है वहां के कलेक्टर और कप्तान ने अच्छे काम किए, तो उस मॉडल को पूरे उत्तर प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है, ये जानकारी में होगा आपकी। अच्छा, पुराने टाइम में गांव एक गणराज्य के रूप में काम करता था, छोटे मोटे झगड़े भी होते थे तो वो पंचायतों के जरिए गाँव में ही निपटा दिए जाते थे, वो थाने तहसील कोई जाने की व्यवस्था नहीं थी। अखिल भारतीय प्रधान संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी है, उन्होंने मांग की है कि सरकार गांव को दोबारा से वही गणराज्य का दर्जा दे। क्या इस तरफ सरकार कोई गंभीरता से इस बात को लेगी? नहीं, आप गणराज्य की बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में खोडस जनपद की बात कही गई है। 16 महाजनपद थे जिसमें कौशल काशी जैसे महागणराज्य थे, साकेत वैशाली ये सब गणराज्य थे, महाजनपद कहलाते थे। और उस समय की शासन प्रणाली और आज की शासन प्रणाली में मौलिक अंतर है। जिस समय माननीय महामहिम महामना गौतम बुद्ध जी थे उस समय की शासन प्रणाली पंचायती राज प्रणाली का पर्याय थी। उस समय का जो राजा था वो आज के राजा से भिन्न था, मध्यकालीन जो राजतंत्र था वो राजतंत्र और प्रजातंत्र का सम्मिश्रित रूप था, लेकिन आज की तारीख में हम प्रजातंत्र की तरफ चले आए हैं। तो गांव का स्वरूप प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा शासन व्यवस्था है। उस समय गांव की जो व्यवस्था थी उनको न्यायिक व्यवस्था भी प्राप्त थी, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका तीनों के लिए बहुत कुछ स्वतंत्रता थी। आज के युग में अब ऐसा संभव नहीं है। आज की तारीख में बहुत से गांवों ने अपने आप स्वतंत्रता लेने का प्रयास किया तो तुगल की फरमान जारी कर दिया, कोई लड़का लड़की स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से शादी बनाना करना चाहते हैं, कानून कहता है 18 साल के ऊपर बालिग बच्चे को शादी करने का राइट है, अपना संबंध बनाने का अधिकार है। लेकिन गांव में जो दकियानुसी विचारधारा है
वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में कहीं तुगलकी फरमान जारी हो गया तो हम गाँव को स्वतंत्रता देने के लिए पूरे 100% पक्षधर हैं, लेकिन पुराने जमाने की तरह नहीं, न्यायिक प्रणाली उनके पास नहीं रहनी चाहिए। न्यायिक प्रणाली सरकार के पास, सरकार के पास, न्यायपालिका के पास रहनी चाहिए। हाँ, उधर आप ध्यान दे रहे हैं जी, ऐसी घटनाएं ना हो पाए। हाँ, अच्छा विधायक जी, गांव में एक चीज होती है पशुधन जी, वहाँ के ज्यादातर लोग अपने पशुओं के दूध वगैरह से ही अपना काम चलाते हैं या फिर उनकी खेती होती है। बहुत सी जगह आज भी यूपी में ऐसी हैं जहाँ सरकारी पशु चिकित्सालय तो हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर रिटायर हो गए और वो अस्पताल आज भी ऐसे ही सफेद हाथी की तरह दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं, प्रारंभिक दौर में खेती और पशुपालन दो ही हमारे जीविका के आधार हुआ करते थे। आज की तारीख में हिंदुस्तान का नौजवान पशुपालन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, कारण है उसका मशीनीकरण युग ने उसको छीन लिया। जैसे बछड़े की कीमत, कोई किसी घर में बछड़ा पैदा हो जाता या बेटा पैदा हो जाता, हम उसको बछड़े को पुत्र रत्न के बराबर महत्व देते थे, और ट्रैक्टर जब से आ गया तब से बछड़ा हमारे लिए निष्प्रयोजी हो गया, हम उसका सम्मान करते हैं गोवंश होने के नाते, लेकिन उसका उपयोग न होने के नाते हम उसका वो सम्मान नहीं कर पा रहे हैं जिसका वो हकदार था, एक बात। दूसरी चीज, जो डेयरी है और पशुपालन दूध की बात आपने कही है, ये हमेशा घाटे का सौदा है, ये घाटे का सौदा, इसलिए अगर घाटे का सौदा नहीं होता तो इसको हम अभी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं ला रहे हैं। जो चीजें इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, इसका मतलब वो घाटे के सौदा हैं, इसको सरकार भी मानती और समाज भी मानता है। अच्छा, भारत के कई राज्यों में किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है जी, क्या सरकार भी ऐसी कोई योजना ला रही है किसानों को बिजली फ्री दे दी जाए ट्यूबवेल वगैरह के लिए? हमारी सरकार किसान समर्थक सरकार है, किसानों को बहुत महत्व देने की हिमायती है। अब इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रिमंडल अपना कुछ ना कुछ विचार करेगा, जो हमने अपना घोषणा पत्र, सब घोषणा पत्र करते हैं, हमने संकल्प पत्र कहा है, संकल्प पत्र में किसानों को जो सुविधाएं देने की बात कही वो अच्छा सा लागू करेंगे। संकल्प मतलब एक शपथ वाला पत्र? हाँ, घोषणा पत्र को हमने संकल्प पत्र कहा है। घोषणा पत्र का मतलब तो हमने घोषणा कर दी, लेकिन संकल्प का? हाँ, हमने ऐसा संकल्प करेंगे, यही करेंगे, इसलिए उसका नाम संकल्प पत्र रखा है। उसमें किसानों के लिए बिजली पानी देने के लिए जैसी व्यवस्था की गई उसको पूरा करेंगे। आप कुछ अपने क्षेत्र के बारे में आप थोड़ा विचार रखिए, विस्तार से बता दीजिए कुछ आपके क्षेत्र का, देखिए लोग आपके क्षेत्र के बारे में जान सके। पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त 2014 में हो गया था, कांग्रेस मुक्त सपा बसपा मुक्त सब पूरा हो गया था। 2017 में भी लगभग यही स्थिति रही, रायबरेली और अमेठी दो जनपदों में कांग्रेस की आत्मा बसती है, आजादी के बाद से ज्यादातर समय कांग्रेस के सांसद रहे। जैसे आप सोनिया गांधी के क्षेत्र से चुनाव लड़े तो काफी आपको अड़चने आई, या कभी आपने ये भी सोचा होगा, दिमाग में आया होगा कांग्रेस के गढ़ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ कभी महसूस किया? मैं तो बाराबंकी का रहने वाला हूँ, बता चुका हूँ। हाँ। हमारे जिला अध्यक्ष जी आदरणीय दिलीप यादव जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि आइए यहीं से चुनाव लड़ा जाए, और पिछली बार जो हम चुनाव लड़े थे 2012 तो 5-6 हजार वोट मिला था जो प्रत्याशी थे, और इस बार इसी नाते हम मन बना करके गए, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी ने भी हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और हमको भी वहां की जनता पर बहुत दृढ़ विश्वास था। आम जनमानस के लोग कांग्रेस से पूरी तौर से ऊब चुके हैं, जब हमने केवल याद दिला दिया उनको, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं है, स्कूल नहीं है, लोगों की गरीबी देखने लायक है वहां पर, शिक्षा और साक्षरता दर बहुत कम है, कब तक भावना के आधार पर हम वोट देते रहेंगे? केवल याद दिला दिया गया, लोगों ने मुझे एक मुस्त वोट दिया और जिले के सबसे ज्यादा वोटों से हम वहां जीत करके आए। ABPS न्यूज के माध्यम से आप जनता को कोई संदेश देना चाहें? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के वासी, जिस प्रदेश में भगवान राम पैदा हुए, जिस प्रदेश में भगवान कृष्ण पैदा हुए, जो भगवान
शिव की सबसे बड़ी नगरी है, गौतम बुद्ध की कर्मस्थली है, ऐसे महापुरुषों की जन्मस्थली और गंगा यमुना जैसा मैदान, विश्व का सबसे बड़ा मैदान हमारे पास में है, हमारे पास में हिमालय की तलहटी है, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना संसाधन है उतना शायद किसी के पास हो, हमारे पास में तीनों मौसम हैं, ठंडक जाड़ा गर्मी बरसात पर्याप्त मात्रा में है, हमारे प्रदेश के वासी मैं समझता हूँ कि अपने को भारतीय संस्कृति वाला महसूस करते हैं, हमारा क्षेत्र अवध कहलाता है जहाँ कोई वध नहीं हुआ, हमारा क्षेत्र अयोध्य कहलाता अयोध्या कहलाता जहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, इतना शांतिपूर्ण स्थल वाला प्रदेश जहाँ पर है, तो हम उत्तर प्रदेश के लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अरे मेरे प्रदेश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, पिछड़े, कमजोर सब लोग मिलकर के आइए एक बार संकल्प लें, इस उत्तर प्रदेश को दुनिया का सबसे गौरवशाली प्रदेश बनाएं। उत्तर प्रदेश में जो भगवान राम की संस्कृति की दुहाई पूरा विश्व देता है, भगवान कृष्ण की लालित योजना का, भगवान कृष्ण की कर्मयोग का पूरा देश ने विश्व नमन करता है, तो हम उनके वंशज हैं, उसी अनुरूप हम कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे हमारा देश प्रदेश कलंकित हो, हमारे प्रदेश से निकल करके आजमगढ़ जैसे जिले से कुछ लोग जाकर के कई जिले हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से जाकर के इस देश को प्रदेश को कलंकित करने का काम करते हो, ऐसे नौजवानों से भी मेरी अपेक्षा है कि इस देश को अपना गौरवशाली स्थान माने, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इस मिट्टी से इतना लगाव रखें, हम 24 घंटे में अगर योगी और मोदी जी की तरह 18 घंटे न काम कर सकें तो 12 से 14 15 घंटे काम करें, तो निश्चित रूप से ये देश आने वाले 10 15 20 सालों में दुनिया में अपना एक स्थान रखेगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास में है इतना शायद विश्व में किसी स्थान पर हो। रायबरेली के बछरावा से विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम नरेश रावत जी, जिन्होंने गांव की बात को गंभीरता के साथ लिया और आगे भी शायद इन बातों को ये मुख्यमंत्री और विधानसभा तक पहुंचाएंगे और गांव के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा दिलाने में अपना योगदान करेंगे। इसी के साथ अजय प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।